संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान, जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो आज मैं पहुंचा हूं झारखंड पॉलिटेक्निक के रैंक वन 2019 के कुणाल झरियात और उनके फैमिलीज, और चलिए एक फैमिली बैकग्राउंड्स को भी जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे कि भाई एक साधारण फैमिली में रहने वाला बच्चा आज रैंक वन कैसे लाता है, इस रहस्य को समझना होगा। तो सर आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम दक्षिणेश्वर झरियात है, पुराना। अच्छा, पर पुराना मतलब कि सर आप चास में लगभग कब से आप लोग रह रहे हैं? 700 साल। 700 साल मतलब कि सात सौ साल मैंने पूरे पूर्वज यहाँ पर 700 साल से भी ऊपर से रह रहे हैं कंटिन्यू। सर तो यहाँ के तो आप लोग एक जमींदार ही होंगे अपने? हम लोग जमींदार, हमारे पूर्वज लोग जमींदार थे। अच्छा, तो यहाँ आपके पूर्वज काफी जमींदार रहे हैं और ये एक समझिए कि चास के मूल वसिंदा है, जो यहाँ के समझिए कि एक तरह से उस समय राजा ही हुआ करते थे कंप्लीट, और आज समझिए कि उस राज घराने का बच्चा ने आज कुछ किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज इस चीज को फिर से एक बार मौका दिया गया आपके बच्चे ने, तो भाई पूरे झारखंड में रैंक वन एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है सर। हमारे चैनल में तो बहुत सारे बच्चे आज इस बात को सोच रहे होंगे और आपको सुनना चाहते होंगे। तो कुणाल, पहले तो आप ये बताओ कि आपको आज ये रिजल्ट लाकर कैसा अनुभव हो रहा है? जी, मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ कि मैंने रैंक वन हासिल किया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरा रैंक 100 से नीचे आएगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है मैंने कितना अटैम्प्ट किया और कितना गलत होगा, उस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया था। चलिए ठीक है, और आपके भाई हैं तो आपके भाई पर आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि वो रैंक वन झारखंड पॉलिटेक्निक में पूरा लाए हैं? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये नंबर रैंक वन लाए हैं झारखंड में। आपका नाम? मेरा नाम रीना झरियात है। रीना झरियात इनका नाम है, और भाई इनके अपने भाई, ये लोग दो भाई हैं और इनके पापा। सर आप क्या करते हैं ये बताएं थोड़ा सा। लोग ऐसे प्राइवेट में जॉब करते हैं। अच्छा। और वो मतलब एक नॉर्मल प्राइवेट, हाँ, एज ए टीचर। तो एक नॉर्मल प्राइवेट टीचर होते हुए भी आप अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है सर कि आप तो जो यहाँ का चास का एक मूल समझिए कि आप वसिंदा रहते हुए आज जो आपके बच्चे ने एक इतिहास रचा है, ये खुद में अनोखा है और पूरे झारखंड को इस पे गर्व है सर। झारखंड के सारे लोगों को, हम चास वासियों को तो सबसे पहले गर्व है, और भाई ये खबर सब तक पहुँचना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये चीज़ बातें जाए। और कुछ विशेष बातें जो आप कहना चाहेंगे आज पूरे चास वासियों को, ये पूरे झारखंड वासियों को, अगर अपने तरफ से तो कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप अपने बच्चे के लिए? हाँ, हम आप बच्चे का पढ़ाई हमने योजनाबद्ध तरीके से कराए हैं, हमेशा अनुशासन में रखे हैं, स्कूल जाना डेली, स्कूल ट्यूशन, ये सब मतलब काफ़ी मायने रखता था, और उसी हिसाब से हमने तैयारी करवाई। नहीं सर, मैंने देखा सर आपका रहन सहन भी काफ़ी नॉर्मल ढंग से रहे हैं। हम लोग हमेशा हमारा ये रहा है आदर्श रहा है, सादा जीवन ऊंचा विचार हमारा आदर्श रहा है, और उसी को हमने फॉलो किया है, और बच्चे को भी मैंने वैसे ही संस्कार दिया है कि वो पढ़ाई में हमेशा, हमारे बेटे ने तो इतिहास रचा ही है, बेटी ने भी इंटर में फर्स्ट की है, मैट्रिक में भी अच्छा रिजल्ट की थी, तो कुल मिलाकर हमने गाइडलाइन अच्छा ही दिया है। तो ये सादा जीवन उच्च विचार का जो आपका सिद्धांत है सर, बहुत कारगर है, और मेरे ख्याल से आज हर गार्जियन आप पर फख्र करेंगे कि आज आपका जितना अच्छा बेटे ने किया है, ये एक खुद में एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक का रैंक वन लाना एक नॉर्मल बात नहीं था। और उसके बाद आप बताएं कि आपके मम्मी पापा का आपको कितना सहयोग मिला? मेरे मम्मी पापा ने भरपूर सहयोग दिया है, मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत किए हैं और हर पल मेरे साथ रहे हैं, मुझे सपोर्ट किया है। मेरे माता